कांगड़ा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण विभाग के उपनिदेशक मुनीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 महीने के भीतर विभाग को 776 मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे जिला विकास ग्रामीण अभिकरण कांगड़ा ने रिकॉर्ड समय में पहले पूरा किया है। उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा का मुकाबला उड़ीसा के संभलपुर जिला से था, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने जब देखा कि मकान जो समय दिया था उससे पहले बनकर तैयार हैं, इसलिए हिमाचल के जिला कांगड़ा को पहला स्थान हासिल हुआ है। उन्होंने बताया कि सभी ब्लॉक्स के बीडीओ ने इस योजना को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को घर बनाने का मौका मिल रहा है, जिससे उनके घर बनाने के सपने भी पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि घर बनाने की पूरी प्रक्रिया की सरकार ने वीडियोग्राफी की है और जो भी तकनीक घर बनाने में इस्तेमाल की जा रही है उसके ऊपर सरकार ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। जिला कांगड़ा की इस डॉक्यूमेंट्री को 21 अप्रैल को अवार्ड देने के लिए दिल्ली में दिखाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा को 1.5 साल के भीतर 4 राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें मनरेगा को जिला में लागू करना, जियो टैगिंग को लागू करना और स्वच्छता के अवार्ड शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी खासियतें थी वो पहले भी योजनाएं आवास की चलती थी, लेकिन जो सबसे बड़ी इसमें खासियत थी इसमें जियो टैगिंग का प्रावधान था। इसमें इंस्टॉलमेंट जो थी वो MIS के माध्यम से बेनिफिशियरी के खाते में सीधी जाती थी। टारगेट जो थे वो SCCC डाटा से उठाए गए थे। इन सब चीजों से ये जो थी एकदम नई योजना थी और इसमें चुनौतियां भी बहुत थी। इस कार्य को पूर्ण करना बहुत मुश्किल था। हर सबसे ज्यादा जरूरी था कि जो लोग हमारे जो स्टाफ है सबॉर्डिनेट ऑफिस में जो काम करेगा उसको ट्रेंड करना, उसके ये सुनिश्चित करना कि वो मकानों की देखरेख जो बन रहे हैं उनकी क्वालिटी क्वांटिटी कैसे इंश्योर करनी है, क्योंकि गरीब आदमी का मकान जो है जिंदगी में एक बार ही बनता है और जो खुशी होती है गरीब आदमी की मकान बनने पे वो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं उपलब्ध करवा सकता है। तो हमें लगा कि एक तो लोगों का भला भी हो जाएगा इसमें और दूसरा जो हमारा लक्ष्य है उसको भी हम आसानी से पूरा कर पाएंगे। तो जब हम शुरू में इस लक्ष्य को लेकर चले तो हमें लगा कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो हमारे साथ इस लक्ष्य के साथ दौड़ में हो, लेकिन जब हम पूरा ऑल इंडिया का हमने देखना शुरू किया, पूरे भारत का MIS देखना शुरू किया तो हमें लगा कि उड़ीसा का एक संबलपुर जिला था जो हमारे से थोड़ा सा पीछे था। तो हमें लगा कि यदि हम इसको क्रॉस कर जाते हैं, हमारा टारगेट इससे बढ़ जाता है तो हम पूरे भारत में प्रथम स्थान पर रहते हैं। हमने अपनी दिन रात एक कर दिया और जो लक्ष्य हमने 6 महीने में पूरा करना था उसको 3 महीने में हमने पूरा कर दिया और इसके साथ ही अब हमें 21 अप्रैल 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नई दिल्ली में जो फंक्शन होगा सिविल सर्विस डे पे उसमें कांगड़ा जिला को पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम आने के लिए सम्मानित किया जाए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने की मंजूरी का चयन सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के तहत किया गया है। जिन परिवारों के पास पक्के मकान नहीं है उन परिवारों को 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए 1,30,000 की राशि जारी होती है। पिछले 2 वर्ष से केंद्र सरकार हर जिला के गरीब परिवारों को तय राशि जारी कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से पूर्व जिला कांगड़ा मनरेगा के तहत जियो टैगिंग में देश में अव्वल रह चुका है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्रागपुर ब्लॉक पहले और धर्मशाला ब्लॉक दूसरे नंबर पे रहा है। इससे पहले पिछले वर्ष 19 जून को उपायुक्त कांगड़ा ने दिल्ली में जिला की नगरोटा सूरिया ब्लॉक के कुठेड़ पंचायत में मनरेगा के विकास कार्यों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए देश में सम्मान जीता था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी व पंचायत प्रधान बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि इस योजना के तहत जो लाभार्थी पहले कच्चे मकान में रहते थे अब वे पक्के मकान में रह सकेंगे। मैं प्रधान ग्राम पंचायत नरवाना खास बहादुर सिंह, हमारे गांव से 2 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सेंक्शन हुए हैं जो गरीब लोगों के लिए आर्थिक सहायता की बहुत अच्छी सुविधा है। हम सरकार से और चाहेंगे कि ऐसी योजनाएं लगाई चालू की जाएं जिससे गरीब लोगों को अच्छी से सहूलत मिल सके और जो इन्होंने जो कच्चा मकान ना बना सकते थे उन्होंने आज सरकार की आर्थिक सहायता से पक्के मकान बना रहे हैं। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवादी हूं और आपका भी
तो हमारे जी टी वी का भी मैं धन्यवाद दी हूँ जो हमारी पंचायत में पधारने के लिए आए और उन्होंने मकान को देखा। मेरा नाम प्रेमचंद है जी, मैं खास निर्माणा पंचायत कनवासी हूँ और मुझे प्रधानमंत्री योजना के तहत से पैसा मिला है और मैं बड़ा खुश हूँ और मिलना चाहिए गरीबों को।